सो गाईज वेलकम यू जी सी नेट कोड सेवनटीन मैनेजमेंट के लिए आंसर की हम लोग लेके आ गए हैं सो so, जो पेपर 18 जून 2024 को हुआ था जून 24 वाले साइकिल के लिए मैनेजमेंट का इवनिंग में जो हुआ था लंच के बाद उसकी आंसर की के साथ हम ह्यूमन पेरेटिस पे रेडी हैं तो मेरे साथ मीता मैडम हैं उनका स्वागत है Hello. और अभिनव सर हैं वो भी थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करेंगे तो एक एक करके हम जितने भी सवाल आए थे पूरे मैनेजमेंट के सौ सवाल उनके हम सर के एक एक करके हम लोग देखेंगे आ, अब कैसा पेपर था कितना डिफ़िकल्टी लेवल था कितना कट ऑफ जाएगा ये वाला डिस्कशन हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे सो सबसे पहली चीज़ आ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन भी प्रेस कर दीजिए और ताकि जो बाकी फ्यूचर में वीडियो आए तो वो भी आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहेगा दूसरी बात अगर किसी भी आंसर को लेके आपको ऐसा लगता है कि आप हमसे एग्री नहीं करते हैं तो आपका स्वागत है आप यूट्यूब पर नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि मैं इस आंसर से एग्री नहीं करता हूँ एंड हम उसको एक बार देख के विल रिस्पोंड तो टू यू वन बाई वन सब को रिस्पॉन्ड करेंगे और अगर हमसे कुछ गलती होगी तो करेक्ट भी कर लेंगे वहीं की बाकी सब के लिए कि ये हमसे मिस्टेक हो गया है बट अगर कुछ भी आप बोलते हो डिसग्री जब आप करते हो सो अपना ना कुछ रीज़न जरूर लिखना जैसे कि अगर आप बोलते हो बी नहीं बी की बजाय सी करेक्ट है सिर्फ इतना मत लिखना कि बी की बजाय सी करेक्ट है दो लाइनों में लिख भी देना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बी की बजाय सी करेक्ट है या फिर कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपने देखा है जिसके बेस पर आपको लगता है कि बी की बजाय सी करेक्ट है सो गाइज विद डैट नोट शुरू करते हैं एंड पहले सवाल से यू जी सी नेट कोड सेवनटीन मैनेजमेंट का आंसर की एंड पहला सवाल मैनेजमेंट का है फिफ्टी वन नंबर और इसे हम लोग शुरू करते हैं सो so गाइज पहला सवाल क्या है कि जो आई आर आर मैथड है जो कि हम कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में आई आर आर मैथड की क्या क्या मेरिट्स हैं आई आर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करता है बिल्कुल करता है एन पी वी की तरह आई आर का एक्सेप्टेंस रूल क्या है कि जो हमारा आई आर आर आता है दैट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है आ, उसके बाद तीसरा इट कंसिडर ऑल कैश फ्लोज बिल्कुल ये वाला करता है अनलाइक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो कि अनलाइक यूर पे बैक पीरियड जो कि पूरा नहीं करता पूरे कैश फ्लो कंसिडर नहीं करता लेकिन आई आर आर तो करता है इसलिए तीसरा भी ठीक है आई इज़ अ गुड चॉइस फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आके आई आर फंस जाता है और फिर हम बोलते हैं एन पी में एन बेटर मेथड है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की बात आती है वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल आई में है या नहीं है बिल्कुल नहीं है इनफैक्ट ये एन में है वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर पांच प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो इंडिविजुअल एनपीवी है अगर उन सब को हम जोड़ देंगे तो फर्म का एनपीवी उससे आ जाएगा या पांचों प्रोजेक्ट का इकट्ठा एनपीवी आ जाएगा बट यू कॉन्ट एड आई आर आर दिस वे देयर फोर वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल आई आर में अप्लीकेबल नहीं होता है इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर को क्या हुआ ए बी एंड सी एंड देर फोर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आ ट्रू टू बिकम अ फैमिली फ्रेंडली मैनेजर सो कैज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू और बाक, बाकी आप इसमें देख भी सकते थे काफ़ी कॉमन सेंस वाला था अलोइंग बैकडोर अटेंडेंस तो ये तो खैर कोई मैनेजर नहीं करना चाहेगा एंड देर फोर बाकी सब ठीक है ए बी सी डी आर करेक्ट कल्चर इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सो गैज कल्चर हम करते हैं स्टोरेज से भी रिचुअल से भी मटेरियल सिंबल से भी लेकिन प्री कंसिव प्री कंसीव वैल्यूज से हम कल्चर ट्रांसफर नहीं करते देयफोर फिफ्टी थ्री का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन थ्री लेट्स गो टू नेक्स्ट वन ओक्टापेस सो गैज ओक्टापेस प्राइमरली किसके लिए यूज होता है कल्चर के डेवलप और जब आप कल्चर पढ़ते हो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तब ओक्टापेस आप लोग पढ़ते हो सो so, द करेक्ट आंसर इज डेवलपिंग एच आर डी क्लाइमेट वन इज द करेक्ट आंसर अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस जो कि आप लोगों ने मार्केटिंग की बुक में कोटलर की बुक में आप लोगों ने दे, देखा होगा इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री

सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड पूछा है तो इंटरेस्ट रिसीव जो भी होता है बैंकिंग कंपनीज इंटरेस्ट रिसीव करती हैं या पे कर रही हैं तो उनका रोजमर्रा का काम है तो इजिली ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फॉल करेगा तो आंसर ऑप्शन होना चाहिए ए नेक्स्ट वन है कि जो कंट्रोल प्रोसेस है उसका पार्ट क्या है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री ए बी एंड ई ए बी एंड ई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फीडबैक और उसके बाद करेक्शन ऑफ स्ट्रैटी बाई द वे मतलब कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते थे कि करेक्शन ऑफ डेविएशन भी कुछ हद तक करेक्ट हो सकता है लेकिन फिर हमें वी नीड द बेस्ट आंसर अमंग द गिवन फोर सो देर फॉल देर फॉल विल गो विद ऑप्शन थ्री परफॉर्मेंसल इू परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफन डी जनरेट्स इन टू डिस ऑनेस्ट एनुअल एनुअल रिचुअल ये बात किसने कही थी सो दिस वाज सेड बाय आर्म एंड मुरलिस मुर साइज का नाम एक्चुअली एंड देयर फॉर करेक्ट आंसर फिफ्टी एट इज वन अब आज मजेदार बात क्या है कि जो ये वाला सवाल है ना ये सुबह मॉर्निंग के पेपर में आया और शाम को फिर ये मैनेजमेंट uh, के पेपर में आया सेम सवाल पहले सुबह वन सेकेंड पहले सुबह कॉमर्स का हुआ 18 जून को शाम को मैनेजमेंट का हुआ बिल्कुल सेम सवाल रिपीट सिर्फ इतना नहीं दस से ज्यादा सवाल सुबह से लेकर शाम तक रिपीट हैं तो क्या दो बातें समझ में आती हैं पहली तो क्या कि जिसने दोनों पेपर बनाए वो एक ही टीम थी कुछ ही वो इकट्ठे आदमी जिसने मैनेजमेंट और कॉमर्स का पेपर बनाया दूसरी बात ये भी कि अगर कॉमर्स का पेपर हम लेके चले गए एक बार सुबह अगर अगर सुबह शाम दोबारा से ऐसा ही होता है दिसंबर 2024 में तो जो सुबह कॉमर्स का पेपर अगर अवेलेबल एक बार देख सकते हैं हम लोग कि उसमें से भी शायद हम लोग कुछ सवाल फंस सकते हैं अगर इतना टाइम है तो लोगों के पास बट मोर देन टेन क्वेश्चन रिपीट 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 सो का मतलब ये नहीं है कि सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बिल्कुल डिटो और हम आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से रिपीट है जैसे ये वाला सवाल बिल्कुल रिपीट है आगे बढ़ते हैं फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंगी फॉर्म अकॉर्डिंग टू एनसॉफ सो एनसॉफ मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन मैट्रिक्स अगर आपने देखा होगा तो उसमें तीन कौन कौन से होते हैं गाइज सो दे आर प्रोडक्ट मार्केट स्कोप दूसरा है ग्रोथ फैक्टर और तीसरा है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड देयर फोर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटींथ में वाल्टर मॉडल का फॉर्मूला पूछा है ये तो हम सबको पता ही होना चाहिए सो गाइज पी क्या होता है डी प्लस डी डिवाइडेड बाई के ई और इसी को अच्छे से अगर आप लिखोगे तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट करेक्ट आंसर दिस द वॉल्टर मॉडल सो कैज आगे बढ़ते हैं कुछ हमें एच आर डी के फ्रेमवर्क दिए हैं और पूछा है कि कौन सा किसने किसने दिया हुआ है ये सवाल पहले भी नेट में आया लेकिन जो करेक्ट आंसर है uh, किसने दिया था अगे ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर ये भी बिल्कुल रिपीट है सुबह था और शाम को फिर कॉमर्स वाला पेपर आप लोग चेक कर लेना तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन और ये भी सुबह के बाद शाम को बिल्कुल सेम सवाल रिपीट हुआ है सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन कॉमर्स में जो क्वेश्चन uh, आया हुआ है सेम मोर लेस वैसा सेम ही है तो इसको देख लेते हैं uh, कैसे करेंगे हम इसमें तीन चीजें जो मैंशन है दैट इज योर करंट एसेट करंट रेशो दिया हुआ है तो करंट रेशो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड दिस इज गिवन एज फोर पॉइंट फाइव ठीक है तो यहां से मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू जो आ जाती है दैट बिकम्स माई फोर पॉइंट फाइव सी एल सेकेंड दिया हुआ है मुझे लिक्विड लिक्विड रेशियो क्या होता है मेरा लिक्विड एसेट्स या कोई एसेट्स भी उसको कह सकते हैं हम ठीक है सो दिस इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट यहां से करंट लाइव यहाँ से करंट सॉरी लिक्विड एसेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी क्योंकि लिक्विड रेशो मेरा थ्री टू वन दिया हुआ है तो लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री सी एल ठीक है और अब मुझे ये मालूम है कि करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स मेरा होता है इन्वेंट्री और इन्वेंट्री की वैल्यू मुझे दी हुई है नाउ आई हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ क्विक एसेट्स तो करंट एसेट्स 4.5 पॉइंट फाइव सी एल माइनस थ्री सी एल इन्वेंट्री कितना है तीन लाख ठीक है तो यहाँ से करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाती है हमारे पास दैट इज वन पॉइंट फाइव सी एल इज इक्वल टू थ्री लाख तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ गई दो लाख है ना तो यहाँ पे हम वैल्यू इक्वेट करेंगे इसके अंदर तो लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज छ लाख है ना थ्री इन टू दो लाख ये वाला दो लाख तो सिक्स लाख आंसर होना चाहिए इसका द ऑप्शन फोर्थ ओके सो so guys, आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ऑफिस कहाँ है ये वाला सवाल पूछा गया है सो गाइज कैशू वाला है कोचीन में इनफैक्ट टू बी वेरी प्रसाइज ना केरला में दूसरी जगह कोल्लम शायद कुछ जगह है वहाँ है सो देर फॉर डी गोज विद थ्री ठीक है और जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो ऑफिस है वो दिल्ली में है देर फॉर बी गोज़ विद वन एंड बी गोज़ विद वन डी गोज़ विद थ्री और बाकी भी आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का बैलेंस स्कोर कार्ड किसने दिया था सो गाइज बहुत ही आसान सवाल ये तो हर आदमी के सामने आ ही जाता है कैप्लान एंड मोटर ने दिया था करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन नेक्स्ट वन ब्रांड एक्सटेंशन कब फेल नहीं होता है सो so गाइज इसका आंसर है फोर्थ कि इफ कस्टमर एट्रीब्यूट द क्वालिटी एसोसिएशन दे हैव ओ ओरिजिनल ब्रांड तो जो पुराना जो ब्रांड है उसका जो क्वालिटी के साथ एसोसिएशन है अगर वो कस्टमर तुम्हारे नए प्रोडक्ट के साथ भी एसोसिएट करेंगे तो ब्रांड एक्सटेंशन फेल नहीं होगा देर फोर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ लेट्स मोन टू नेक्स्ट वन अगेन गाइज ये वाला सवाल भी पिछले सालों से पेपर से रिपीट है और दिस इज नंबर सिक्सटी सेवन इनफैक्ट मैंने अपने नोट्स में लिखा भी था कि कौन से साल में क्या क्या बना था सोगेज so ये उन्नीस में बना था ये 1921 के आसपास बना था आर सबको बताना चाहिए नाइनटीन थर्टी के आसपास बना है और आई 1948 में बना है अगर इसको आप लोग यूज़ करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन वन ये भी कॉमर्स से रिपीट है जो कॉमर्स का पेपर सब हुआ था उससे ये वाला पेपर रिपीट हुआ है

लेट्स लुक एट नाउ की रिस्क एनालिसिस के मेथड ये भी गाइस बिल्कुल कोमर से रिपीट है और रिपीट का मतलब कि ऑप्शन ए बी सी डी लिस्ट वन लिस्ट टू बिल्कुल ही सेम है ठीक है तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है कि जब हम डिफरेंट आउटकम देखते हैं बाय चेंज इन वन वेरिएबल एट ए टाइम तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन द अदर हैंड सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है कि जब तुम मल्टीपल वेरिएबल या कॉम्बिनेशन वेरिएबल को चेंज करते हो तो ये हमारा होता है सिनेरियो वेरिएबल सैमोलेशन जिसको तुम मोंटे कार्लो भी बोलते हो सो दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड विच गोज विद ऑप्शन वन सो गैज सैमोलेशन को वन में चला गया और चौथा बजा जो डिसीजन ट्री सो डिसीजन ट्री गोज विद द रिमेनिंग ऑप्शन विच इज माई टू एंड देयर फॉर माई करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन सो ये बेस्ट एनालिसिस किसने दिया था सो दिस वाज गिवन बाय ऑप्शन वन इनफैक्ट ना बेस्ट एनालिसिस में पेस्ट एनालिसिस काफ़ी कॉमन एक फ्रेमवर्क है तो एक दूसरे भी ऑथर है मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कि ऑथर कह रहा हूँ एक थिंकर uh, हैं जिनका जिन जिनका इससे नाम क्रेडिटेड है पर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सो दिस वॉज गिवन बाई ऑप्शन वन में जो जॉनसन और uh, दूसरे महानुभाव हैं और ये अराउंड नाइन्टी थ्री नाइन्टी फाइव के आसपास ये उन इ, इन लोगों ने दिया था सो so, आगे बढ़ते हैं वन टू वन मार्केटिंग में क्या नहीं होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन सो वन टू वन मार्केटिंग के स्टेप्स दिए हुए हैं और वो क्या और वो क्या स्टेप्स हैं पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कस्टमर फिर इसके बाद क्या करोगे तुम यू विल डिफ्रेंशिएट द कस्टमर फिर क्या करोगे यू विल इंटरेक्ट विद द कस्टमर एंड देन यू विल कस्टमाइज फॉर द कस्टमर सो so, ये चार स्टेप हैं जो वन टू वन मार्केटिंग के लिए दिए हैं अब इसमें से अगर हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे तो हमें कौन सा वाला सही है कौन से वाला गलत है सो so, जो थ्री है लोयल कस्टमर आर चीपर टू सर्व ये इसमें नहीं आता है बाकी तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे वाले प्रोसेस में देर फोर थ्री इज़ द राइट आंसर कंज्यूमर नीड मोटिवेशन परसेप्शन और इमोशन 72 टू सो गैज अब ये वाला क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा डाउट है तो आइडली तो ये सवाल ड्रॉप हो जाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल करेक्ट मैच कोई भी नहीं बनता है हमारे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि ए गोज़ विद थ्री ठीक है बी गोज़ विद फोर सी गोज़ विद वन एंड डी गोज़ विद टू लेकिन ये तो अब किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है बाकी आप खुद भी देख सकते हो थोड़ा सा इसको ऐसे कि जो ये वाला प्रोसेस है सेलेक्ट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनपुट्स ये वाला प्रोसेस तो परसेप्शन में आता है हम इसको ओ में हम लोग इसको पढ़ते भी हैं कि ये ये हमेशा परसेप्शन का पार्ट है देर फोर सी के साथ वन जाना चाहिए फॉर श्योर लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि जो आ, ये वाला है वेन अराउज फॉर अ सफिशेंट लेवल ड्राइव टू एक्ट दिस शुड गो विद मोटिवेशन तो मतलब बी के साथ फोर जाना चाहिए अब बी के साथ अगर मुझे फोर को भेजना है और सी के साथ मुझे एन टी ए क्या करता है हमारे हिसाब से दिस शुड been करेक्ट पेयर अदरवाइज ये आंसर ड्रॉप हो जाना चाहिए अगर आंसर की चैलेंज अब की बार भी खुलता है तो आप में से कोई इसको चैलेंज भी कर सकता है आगे बढ़ते हैं गाइज अगेन अगर फिर भी हमें कोई आंसर चूज करना ही है मतलब फिर भी अगर हमें कोई ना कोई आंसर बिल्कुल पक्का चूज करना ही करना है देन इन दैट केस वी वुड गो विद ऑप्शन डी अगर चूज करना ही है ज़बरदस्ती मतलब फिर तो हम डी के साथ ही हम लोग जाएंगे ठीक है सेवेंटी थ्री मोड्स कौन कौन से होते हैं सोज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री विच इज़ ऑप्शन सेवेंटी थ्री राइट यस सो अडेप्टिव प्लानिंग एंड लॉजिकल इंक्रीमेंट जो मोड होता है विच इज ऑप्शन बी सी एंड डी देफो थ्री इज द राइट आंसर मीन मीडियम मोड की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही हम सबको पता होना चाहिए थोड़ा सा भी अगर हम लोगों ने स्टेट्स पढ़ा है और सो गाइज मतलब इसी को जनरली बुक्स में कैसे लिखा होता है मैं तो बता देता हूँ बुक्स में जनरली क्या लिखा होता है मीन माइनस मोड इजिकल टू थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन ऐसे लिखा होता है अब इसको तुम रीफ रिफरेज रीअरेंज करोगे तो ऑप्शन फोर तुम्हारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इससे ठीक है विच 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 आर द फैक्टर्स बिफोर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट सो इकोनॉमिक फैक्टर है बिल्कुल है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है बिल्कुल ये वाला फैक्टर है पॉलिटिकल लीगल है बिल्कुल है सो ए डी ई तो पक्का है ही है और क्योंकि ए डी ई तो है ही सेवेंटी फाइव का तो ये शायद हम लोगों ने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया ये डी था मैंने जब पेपर को दिया मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ गाइज गिव मी अ सेकंड सो लेट मी चेक सेवेंटी फाइव इन द ओरिजिनल पेपर कि ये हमारी टीम ने टाइपिंग में मिस्टेक किया या फिर ये क्या सवाल था मुझे एक सेकंड दीजिए आप तो ए सी एक्चुअली राइट ठीक है नहीं सब ठीक तो है माई uh, बैड सब uh, सब ठीक है गाइज वंस अगेन इस वाले के लिए इकोनॉमिक फैक्टर सोशल कल्चरल फैक्टर एंड पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर एंड देयर फोर ए इज द करेक्ट आंसर नो ये बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं वर्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या होती है करंट एसेट नेटवर्किंग कैपिटल क्या होती है ये सब आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं सो गाइज टाइप्स ऑफ टीम जो कि ओबी में आता है इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर डिफरेंट अप्रोचेस दिए हैं यह भी काफी आसान सवाल है हम सबको आना चाहिए तो सेवेंटी एट का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था पहला दूसरा छठा और दसवां सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन फॉरेन एक्सचेंज का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी कॉमर्स से बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जो कॉमर्स वाले पेपर में ये वाला सवाल था, ठीक है? और इसको लेकिन कॉमन सेंस से कर भी सकते थे क्यों क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि गुड्स आर एंड सोल्ड इन मार्केट। तो हमारा ऑप्शन दो में देर फोर एटी का आंसर हो गया ऑप्शन दो विच ऑफ दोट सब्सटेंसिव डॉक्यूमेंट यूज इन दॉरन ट्रेड सो गाइज फॉरेन ट्रेड में ना दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं एक होता है अपना सब्सटेंसिव जो कि चाहिए ही चाहिए एक होता है ओगजिलरी ठीक है सो सब्सटेंसिव डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं गाइज सब्सटेंसिव में आते हैं अपने बाय द वे ये भी कॉमर्स से कॉपी पेस्ट है बिल्कुल सेम सवाल इसमें आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा इसमें आता है अपना कमर्शियल इन्वाइस आएगा ठीक है फिर इसमें आएगा बिल ऑफ लेडिंग अगर हवाई जहाज जहाजे सामान भेज रहे हो तो एयरवे बिल और चौथा आता है मैरीन इंश्योरेंस मैरीन इंश्योरेंस ठीक है और उग्जली डॉक्यूमेंट में कौन कौन से आते हैं पैकिंग लिस्ट पैकेजिंग लिस्ट उसके बाद काउंसिलर इन वॉइस फिर है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और चौथा कोई कोई भी इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लाइक क्वालिटी सर्टिफिकेट या इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ये सब है तो वो भी अपना ओग्जरी डॉक्यूमेंट होता है देरफोर कौन सा नहीं है सबस्टेंसिव इसमें इस जो आएगा जिसका हमने अंदर लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर सो कहाँ से सवाल है बिग फाइव पर्सनैलिटी वाला मॉडल से वाला सवाल आया टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्रिटिकल एनालिसिस एटी थ्री सो गायज महान आसान सवाल एम क्लास में जाते हैं सबसे पहले यही लोग सिखाते हैं स्वॉट एनालिसिस ऑप्शन टू अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बेंचमार्किंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन एटी फोर्थ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर विच इज द फॉलोइंग आर रीजन ऑफ टाइम प्रिफरेंस ऑफ मनी या टाइम वैल्यू ऑफ मनी सो so गाइज ये भी हम सब लोग पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कैसे जो लिखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वुड बी इंक्रीज सो जो वैल्यू आज सौ रुपये की है वो कुछ दिन बाद वैल्यू उसकी इंक्रीज नहीं उल्टा डिक्रीज़ हो जाएगी सौ से कम हो जाएगी तो सी तो हो ही नहीं सकता था और अगर सी नहीं हो सकता तो ए को हटाओ दो को हटाओ सी को हटाओ और मेरा ऑप्शन मेरा आंसर कौन सा बचा ओनली फोर्थ इज माई करेक्ट आंसर थ्योरी uh, ये वाला थ्योरी कौन सा थ्योरी किसने दिया था सो एट्टी सिक्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज करेक्ट आंसर इज ये भी बार बार सवाल आते रहते हैं एट्टी सेवन की फोर्थ कैपिटल स्ट्रक्चर की जो अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच सो इज ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर बिहेवियर मॉडलिंग एटी एटी एट या एट बिहेवियर मॉडलिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम Uh, अब गैर इसमें थोड़ा सा हमें भी डाउट है आई एल बी ऑनेस्ट विद यू तो रोल प्लेइंग और ये तो बेल मॉडलिंग का पार्ट होते हैं अब मॉडलिंग और सोशल इन्फोर्समेंट में दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं सो डाउटफुल सो इन दिस केस विल गो विद ऑप्शन वन वन इज़ द करेक्ट आंसर अरेंज द फ फॉलोइंग फ्रॉम अर्लियर टू लेटर सो गज अगर याद नहीं है तो इतना तो याद हम इसमें कर ही सकते थे कि भाई साइंटिफिक पहले हुआ एच आर बाद में हुआ क्यों पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट था फिर होथ्रोन एक्सपेरिमेंट आए फिर एच आर की दुनिया शुरू हुई एच आर एच आर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट शुरू हुआ इसका मतलब बी के बाद तो ए होगा अगर बी के बाद ए होगा ना वो ए के ऑप्शन में था विच इज ऑप्शन टू और इतने से ही हमारा सवाल ये हो जाना चाहिए था आगे बढ़ते हैं गाइज फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू खंडू भाई देसाई कुछ लोग वल्लभ भाई पटेल भी मार्क करके आए होंगे लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इसको फाउंड ही वॉज द फाउंडर लेकिन जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो भाई देसाई ही थे दैट वॉज नाइन्टी लेट्स कम टू नाइन्टी फर्स्ट नाउ कल्चर की डायमेंशन होफेडे के जो दी थी नाइन्टी वन का ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर 92 टू एम एस एम ई एक्ट के अच्छा अब गए जिसमें क्या हुआ है कि एमएसएमई एक्ट में जो एक्ट कब बना था 2006 में बना फिर 2020 में कोरोना के टाइम में इसमें अमेंडमेंट भी आया तो इसमें तीन तरह की इंडस्ट्री हैं कौन कौन सी है माइक्रो है स्मॉल है और मीडियम है मतलब एबीसी होना चाहिए था पर यहां चार दिया है, सो so सोवाइज अब हमें तो बेस्ट आंसर ढूंढना है आइडली तो तीन ही होना चाहिए था चार नहीं होना चाहिए था फिर भी अगर चार है तो चौथा विल गो विद टाइनी सो सोवाइज लेकिन टाइनी का क्या है कि जो 2006 का जो एक्ट है ना उस एक्ट में ये भी प्रोविजन था कि टाइनी को हम रीनेम करके स्मॉल कर देंगे टाइनी वर्ड था लेकिन 2006 से पहले पहले था तो लार्ज तो हो ही नहीं सकता देर फॉर विल गो विद आंसर ए बी सी डी हालांकि सिर्फ ए बी सी ही होना चाहिए था अगर कोई सवाल बना था तो मैंने आपको बता दिया टाइनी का भी क्या significance है the following steps of hypothesis testing. Again, कोमर से बिल्कुल ही मलविंदर सिंह uh, so को आप जानते ही हो गए के चक्कर में शायद जेल की हवा भी खा के आए हैं तो इससे अपना सवाल ये हो जाना चाहिए था डी के ये दो ऑप्शन है फिर फिलिप नाइट इज नोन फॉर नाइकी ठीक है तो 94 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एसेट्स और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग थोड़ा प्रकाश डालेंगी ऑफ़ कोर्स सर इसमें कंफ्यूजन तो है फाइनेंशियल एसेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है तो फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं ठीक है किसी अदर एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो शेयर और डिबेंचर तो इसका आंसर फिर भी हो सकते हैं ठीक है शेयर और डिबेंचर तो होंगे लीज ऑब्लीगेशन हैं या ये बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हम उस परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो ये तो लाइबिलिटीज uh, रिफ्लेक्ट करते हैं मोर लेस ठीक है और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते हैं एंड लुकिंग एट दी ऑप्शन आपको ए और बी कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा तो ये अकॉर्डिंगली तो आंसर मतलब क्वेश्चन ड्रॉप हो जाना चाहिए था बट अगर बेस्ट पॉसिबल ढूंढे तो फिर ए बी डी इसका क्लोज बन सकता है ऑप्शन थ्री मतलब यूजीसी uh, नेट इसको चूज कर सकता है सो so, आइडली तो ये ड्रॉप हो जाना चाहिए क्वेश्चन थोड़ा सा राइटली uh, फ्रेम नहीं है तो करेक्ट आंसर मतलब इसको मैं क्या ही बताऊँ अब ऑप्शन थ्री पे आप जा सकते हो इसके लिए ओके okay. सो so गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नाइन्टी सिक्स अरेंज द स्टेप्स इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस नाइनटी सिक्स सो फॉर नाइन्टी सिक्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए और अभिनव सर भी आगे हैं आइए अभिनव सर स्वागत है आपका हेलो सर आई होप ये सारे आंसर स्टूडेंट को मिल ही रहे होंगे एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के भी जो आंसर्स हैं वो सारे सही हो रहे होंगे एंड लेटेस्ट सी आगे की कहानी किस तरह से जाती है ठीक है सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू नाइनटी सेवंथ नाउ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स uh, हैं जिसको काइजन में uh, मतलब uh, का, जिसको हम लोग कंक्लूड करते हैं तो इसमें अपना एटीट्यूड भी है सेफ्टी भी है प्रोडक्टिविटी भी है और एनर्जी सेविंग भी है इसमें मैनेजमेंट नहीं है और मैनेजमेंट क्यों नहीं है इसकी जगह जो वर्ड है दैट इज वट मनी सेविंग तो मैंने मनी सेविंग होना चाहिए था फिर पांचों होते पर इसलिए मैनेजमेंट लिख दिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ जीरो बेस बजटिंग प्रोसेस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री पर्ट और सीपीएम में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है नाइनटी नाइन को लेके तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर और फोर में क्या है ए सी ई ए सी डी तो ए भी ठीक है सी भी ठीक है डी भी ठीक है ई e भी ठीक है और दोनों वर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 2005 नहीं है काफ़ी पहले वो हो, हो गया था 1950s के आसपास कभी ये दोनों ही बन चुके थे पहले ही ठीक है सो so, कैज आगे बढ़ते हैं अरेंज द स्टेप्स ऑफ पेस्ट एनालिसिस इन अ प्रॉपर सिक्वेंस uh, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ठीक है <coughs> अब गाइज ये है सवाल विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑफ़ 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 चेंज 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 ओरिज़न ऑफ़ स्केल एंड चेंज ऑफ मतलब उसमें दो चीज चेंज होती हैं किसी भी पैरामीटर को स्टेटिस्टिकल पैरामीटर को एनालाइज करने के लिए व्हेन वी चेंज द ओरिजन एंड व्हेन वी चेंज द स्केल सो एक का मतलब क्या होता है मान लो मेरे पास मीन है और मैं सारे डेटा पॉइंट में कुछ जोड़ दूँ या कुछ घटा कर दूँ तो क्या मीन बदलेगा इसको बो, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल क्या बोलते हैं मैं सारे डेटा पॉइंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ या डिवाइड कर दूँ इसे बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल अब गाइज अगर तुम लोग जब पढ़ोगे तो मैं समझ में आएगा जो कोरिलेशन रिलेशन होता है कोरिलेशन रिलेशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल इसका मतलब क्या है कि कोरलेशन कॉफिशेंट तो बदलेगा ही नहीं इसका मतलब आंसर होगा टू में से और फोर में से अब जो रिग्रेशन कॉफिशेंट है रिग्रेशन कॉफिशेंट क्या होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजन बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल ठीक है इसका मतलब जो ये कॉफिशेंट है बी एक्स वाई और या बी वाई एक्स ये दोनों बदल जाएंगे इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ओल डेटा ओल्ड डेटा वैल्यूज सो इन दिस केस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर जो बी वाइए है वो चार गुना हो जाएगा और जो बी एक्स वाई है उसको हम चार से डिवाइड कर देंगे नया वैल्यू नया वैल्यू रिग्रेशन कोफिशेंट का निकालने के लिए बाकी स्टेट्स की क्लास में हम इसको अच्छे से समझाते हैं जीरो टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नेगोशिएशन uh, चार स्ट्रेटजी होती है विन लूज लूज विन लूज लूज विन विन ये भी थोड़ा अच्छे से पढ़ के हम लोग कर सकते थे अगर नहीं भी एग्जाम में क्या होता है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन हु स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन सो दिस वॉज गिवन बाई द जेंटलमैन विच आर इन ऑप्शन वन द फैक्टर दैट कोज स्ट्रेस आर कॉल स्ट्रेसर और इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर हैं सो ज ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रेसर होते हैं चार प्रकार के पहला है टास्क डिमांड दूसरा है रोल डिमांड तीसरा है इंटरपर्सनल डिमांड और चौथा है फिजिकल डिमांड पी एच वाई फिजिकल डिमांड चौथा है ये वाला ठीक है अब होते तो चार ही हैं लेकिन अब जो भी जैसे सवाल बना एन टी एन उस दुनिया में हमें जीना होगा तो ए बी सी तो हमारा ठीक है ही तो गिवन द ऑप्शन हमारा दिस आंसर विल विल बी द बेस्ट आंसर ए बी सी एंड डी एंड देर फोर ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर सेवन एस फ्रेमवर्क किसने दिया था मैकेज दिया था चेंज मैनेजमेंट की क्लास में हम लोग इसको पढ़ते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो गईज अब तक जैसे हमने अप्रोक्सीमेटली पचपन छप्पन सवाल कर लिए हैं अब तक हम लोगों ने ठीक है और इन पचपन छप्पन सवालों को जैसे ही हम लोगों ने कर लिया है तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है ठीक है सो पचपन छपन सालों से एक बात समझ आती है कि पेपर ना आसान है और जब हम आसान बोल रहे हैं तो हम यह कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो जब बोले आसान है इसका मतलब है कि रिलेटिवली पिछले सालों के मुकाबले में पेपर काफी ज्यादा आसान है अगर आप कोई पुराना पेपर देखोगे हम लोग यू नेट मैनेजमेंट के लिए वी हैव बिन गाइडिंग यू फॉर लास्ट आई थिंक मोर देन ट्वेल्व थर्टीन ईयर्स नाउ सो so, पहले यू पेपर बनाता था दो हज़ार बारह तेरह चौदह पंद्रह तो ना बड़े ही आसान पेपर होते थे इनफैक्ट वो इतने आसान पेपर थे अगर उन पेपरों को आज तुम करोगे ना उससे कुछ सीखने के इतने ज़्यादा आसान होते हैं वो सवाल भी ना तीन वर्ड का ही बनता था मतलब कहने का मतलब है कि दस पन्नों में ही सारे सवाल आ जाते थे वो ना कि तीस तीस पन्नों में जो आते हैं फिर क्या हुआ फिर आ, फिर ना सी ने टेक ओवर कर लिया अराउंड सोलह के आसपास कभी सोलह सत्रह के आसपास और सी सी ने जो डिफ़िकल्टी लेवल था उसको बढ़ा दिया ठीक है फिर आया एन टी ए अठारह उन्नीस के आसपास का भी एन टी ए आया और फिर एन टी ए ने रियल कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाने शुरू किए तो ऐसा लेवल था कि सौ में से मतलब सिर्फ बीस सवाल ऐसे निकलते थे जो बिल्कुल कॉमन सेंस वाले थे अदरवाइज मुश्किल सवाल और कई बार तो उलझुल सवाल भी बनते थे कि जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही कुछ पूछ लिया वो पूछ रहे हैं मल्टी कोलिनटी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं या फिर मतलब जो चीज़ यूजुअली लोग नहीं पढ़ते उसके ऊपर वो लोग सवाल सवाल पूछ रहे हैं फिर ऑबियसली उसका इफ, इफेक्ट क्या हुआ कि लोगों को चौवन पचपन परसेंट पे भी लोगों को जियरा निकाल लेते थे लोग ठीक है लेकिन अब जो ये वाला पेपर आया एकदम इसका लेवल आप लगा लीजिए कि रिलेटिवली काफी आसान हो गया सो so, जब हम आसान बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठ के जे निकाल देगा अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको सिर्फ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा अभी मैंने जो सवाल बताया कि बी एक्स वाई बी रिग्रेशन कॉफिशेंट का चेंज ऑफ ओरिजन ऑफ चेंज ऑफ स्केल वाला वो सवाल आप कर ही नहीं सकते रट के आपको समझना पड़ेगा कि क्या है चेंज ऑफ ओरिजन ऑफ स्केल क्या होता है कौन सा मतलब आपको सारे याद करने पड़ेंगे कि भाई रिग्रेशन कॉफिशेंट को मीन मीडियन मोड कैसे वो सब चेंज होते हैं सो so, अभी भी पेपर तो पढ़ाई करके और कॉन्सेप्चुअली समझ के ही निकलेगा लेकिन अब रिलेटिवली डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा आसान हो गया इसका मतलब एक ही इसका एक ही मतलब समझा जाए कि, कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी पिछले दो तीन सालों के मुकाबले के आ, मुकाबले में इसका और कोई ये मतलब नहीं समझा जाए कि पेपर बड़ा आसान हो गया और तुम आ जाओ हमारे पास और कल ही तुम्हें पास करा देंगे नहीं अभी भी वैसे मेहनत करनी पड़ेगी तीन से चार महीने जो हमारा ह्यूमन पैटर्स का स्टाइल भी है कि भाई हम वी बिलीव इन हार्ड वर्क कोई शॉर्टकट नहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कोई ऐसा हम कुछ बात नहीं करते हमेशा सिलेबस पूरा करवाते हैं यही पिछले दस बारह साल से करवा रहे हैं और इसलिए इतने सैकड़ों लोगों ने नेट निकाला भी है हमारे साथ और जे आर एफ भी निकालना है ऑल इंडिया रैंक वन भी आए हैं उनके इंटरव्यू भी आपको वेबसाइट पर जाके देखने चाहिए सोगज आगे बढ़ते हैं और बाकी के सवाल हम लोग देखते हैं सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन और अगला सवाल कौन सा है एक बार देखते हैं सो गज मैकेनजी सेवन एस फ्रेमवर्क सबको आना चाहिए और इसमें कुछ होते हैं हार्ड लीवर कुछ सॉफ्ट लीवर वो पूछा नहीं है लेकिन मुझे मुझे याद आ गया कि वो भी सवाल में होना होता है ठीक है काइस्कअ टेस्ट साइन टेस्ट वालिस टेस्ट मैन विटनेस टेस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन ऑप्शन वन ठीक है थोड़ा बहुत आप समझ भी सकते थे काई स्क्टर के साथ गुडनेस ऑफ फिट तो वैसे ही लोगों को दिमाग में ही मतलब याद हो गया होगा कि दूसरा जो मैन विटनी टेस्ट इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ठीक है तो और इसको हम यूज करते हैं दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन के लिए और देर फॉर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन वन आगे बढ़ते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं सोगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन कंज्यूमर सर्वे है मार्केट so, एक्सपेरिमेंट है इकोनॉमेट्रिकनोम इकोनॉमेट्रिक मेथड है देफोर ए इज द करेक्ट आंसर सो इज इनमें से कौन कब बना था सो so, अगेन ये वाला सवाल कॉमर्स में रिपीट था क्या ये वाला या नहीं कुछ था कुछ इस प्रकार के सवाल सर ना कई सारे देखने को मिले जिसमें कई सारे अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कब आया जैसे रीजनल रूरल बैंक कब आया या फिर कुछ एस बी इंपीरियल बैंक कब आया तो अगेन कौन से ईयर में कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है कौन से या फिर उससे रिलेटेड और दो तीन बातें आपको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है एंड अब अगर इसके करेक्ट आंसर पर जाएँ तो देट इज़ टू टू uh, करेक्ट इसका आंसर है वन जीरो नाइन का और सो so, ये बना था नाइनटीन फिफ्टी फोर के आसपास ये बना था नाइनटीन एट्टी में ये आया नाइनटीन थ्री में और ये आया नाइनटीन फिफ्टी फाइव में और ये आया था नाइनटीन सेवेंटी नाइन के आसपास निर्फर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन कम्युनिकेशन सो ये भी कर सकते थे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला एक एस्पेक्ट होता है विच इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट एंड देयर फोर वन जीरो टेन का थर्ड इज द करेक्ट आंसर विच टाइप ऑफ एंटरप्रेनर आर टास्क ओरिएंटेड एंड डेडिकेटेड टू देयर वर्क टाइप्स ऑफ एंटरप्रिनियर ऑप्शन सी थ्री इज द करेक्ट आंसर फ्री ट्रेड के बारे में क्या करेक्ट है सो so गाइस थोड़ा आप पढ़ के देख भी सकते थे कि फ्री ट्रेड ना अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो अपने आप में एक नेगेटिव एस्पेक्ट लगता है ठीक है हालांकि अगर आप पूछो तो कुछ हद तक ये ट्रू भी है ऑफ कोर्स फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि भाई कैसे बिगर प्लेयर्स विल डोमिनेट और वो सब पैसा कमा लेंगे छोटा छोटा जो स्मॉल बिजनेस है वो मतलब मर जाएगा इसलिए इतना प्रोटेक्शनिज्म करते हैं बट सेंस देखो तो नेगेटिव एक्स्पेक्ट है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं बाकी सब ठीक है इसको अच्छे से पढ़ोगे मोनोपोली हटाएगा फ्री ट्रेड है मतलब ज़्यादा सब कंपनी आएंगी तो मोनोपोली कैसे होगी मैक्सिमम और कंज्यूमर को तो फायदा ही फायदा है कंज्यूमर की चांदी है बिकॉज ही हैज़ गोट मोर ऑप्शंस मोर कंपनीज टू चूज फ्रॉम देयर फोर वन वन टू का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर अरेंज द स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश सो गायज अगेन इस वाले सवाल में कुछ विशेष ज्ञान नहीं है सबको आता है ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू टर्म्स ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था अगेन ये वाला सवाल भी कॉमर्स से बिल्कुल ही रिपीट है सेम सवाल सुबह जो आया था और तो इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन टू अब ब्रेक इवन पॉइंट को हम कैसे कैसे लिखते हैं और ये फिक्स रेशो बाय पीवी वी रेशो बिल्कुल ठीक है उसके बाद फिक्स रेशो ओवर वन माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल ये भी ठीक है चेंज इन प्रॉफिट नहीं ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है देर फोर ए बी डी एंड ई आर करेक्ट एंड देर फोर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर सो ये वन वन सिक्स जो है इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड और बिलोंग टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट सोज लैंड मोर्डगेज बैंक है ये लैंड मोर्गेज बैंक वन वन सेवन का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ये सवाल आया है कहाँ से प्वाइजो रेशो से वाला सवाल आया है सो so, प्वाइजो रेशो गाइज हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एक्स कस्टमर्स हम कैसे निकालते हैं दिस इज गेन बाई म्यू रेस्ट टू पावर एक्स ई की पावर माइनस म्यू डिड बाई एक्स फैक्टोरियल अब इसमें हमारे पास म्यू का वैल्यू कितना है दो दिया है हमें और बस बाकी सब तो हम निकाल ही लेंगे अगर इसको हम अब इसके अंदर फिट करते हैं सो टू रेस टू पावर थ्री एक्स की वैल्यू थ्री है बिकॉज वी नीड थ्री कस्टमर्स इन टू ई की पावर माइनस टू एंड डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एंड एट और जो ई e की पावर माइनस टू का वैल्यू पहले दिया हुआ था क्वेश्चन में जीरो पॉइंट वन थ्री फाइव थ्री एंड थ्री फैक्टोरियल और इसके बाद 0.1804 तुम्हारा आंसर आएगा विच इज ऑप्शन फोर्थ ओके सो गाइस बिफोर आई मूव फर्दर मैं आपको ना एक आ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ठीक है कि कैसे आ, हमारे साथ आ, सब लोग टारगेटेड अप्रोच में कैसे अपना नेट निकाल रहे हैं ठीक है सो गाइस हम लोगों ने एक एक हम न, हम लोगों ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है विच इज़ लाइक योर वन स्टॉप प्लेटफॉर्म उसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक कोई पी कोई कुछ नहीं छूना है और मैं आपको एक मिनट का समय लेके मैं आपको वो दिखाता हूँ सो so, जैसे ही आप हमारे साथ एनरोल करते हो हम आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं और जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड से आप पोर्टल पे लॉगिन करते हो ठीक है सो so कोड 17 एंड इसका पासवर्ड में डाल देता हूँ और जैसे ही आप डालोगे तो आपके सामने अब आपके सामने जो आया ना ये पूरा मैनेजमेंट पेपर वन पेपर टू का पूरा कोर्स यूजीसी का एज पर सिलेबस पूरा हम लोगों ने ये प्लान करके बनाया हुआ है यही आपकी दुनिया है यहीं से आपको हर कुछ करना है और यहीं से आपको अपना जे आर एफ या नेट जो भी आपका टारगेट है कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री वो आपको निकालना है अब मान लो मैं इसमें किसी के भी अंदर जाता हूँ ठीक है सो लेट मी गो टू किसके अंदर जाना है मान लो हम लोग चले जाते हैं इन द चलो मैनेजल स्टेट्स के अंदर हम लोग चले जाते हैं मैनेजल स्टेट या फिर मैनेजल इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं चलो ठीक है अब मैनेजल इकोनॉमिक्स में जाओगे यहाँ जाके आपको पूरा उसका सिलेबस दिखाई देगा की वर्ड बाई की वर्ड एंड लेट मी शो यू दैट ठीक है देखो इस तरह पूरा का पूरा, पूरा आपको सिलेबस दिखाई देगा अब आपको क्या करना है किसी भी कीवर्ड में आप चले जाओ ठीक है मान लो मैं चला जाता हूं किसमें लेट मी गो इन टू इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में चला गया ठीक है अब उसके अंदर जाके आपको ना तीन चीजें दिखाई देंगी पहले क्या इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे देर इज अ वीडियो क्लास जहां की टीचर ने उसको अच्छे से उसको कवर किया टीचर ने उसको पढ़ाया है यू कैन सीट हेयर इन दिस क्लास ठीक है ठीक है उसके बाद इसी पर्टिकुलर कीवर्ड के पूरा थ्योरी भी हम लोगों ने यहां दिया हुआ है क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अब वीडियो क्लास तो आप यहां वहां काफी जगह लगा लेते हो लेकिन क्लास से कभी पेपर क्लास देखने से सिर्फ पेपर नहीं निकलता पेपर निकलने के लिए आपको घर आके अपनी किताब भी पढ़नी पड़ेगी उसके बिना तो उस पेपर आपका नहीं निकलेगा ठीक है सो so अब आपको कोई बुक भी छूने का नीड नहीं है तो ह्यूमन पेरिटस के साथ अगर आप तैयारी करने का विचार बनाते हो आपको कोई बुक भी नहीं छूना है यहाँ पूरा कंटेंट भी है और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई चीज़ हमें और ये सारे डायग्राम वगैरह हम लोगों ने हमारी टीम ने अपने हाथ से बनाए हुए हैं कई बार क्या होता है क्या इसकी कोई चीज़ अगर हमें बुक से पढ़ के बीस मिनट में समझ में आ रही है तो उसके लिए हमें दो घंटे क्लास देखने का जरूरत ही नहीं है क्यों देखना है सो जस्ट बिकॉज हालांकि क्लास भी अवेलेबल है बट नाउ यू हैव गॉट दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि मुझे बुक से पढ़ के करना है मैं वहाँ से कर लूँ क्लास करने से वहाँ से कर लूँ दोनों करने हैं दोनों भी कर लीजिए तो मैंने क्या किया इलास्टिसिटी के लिए क्लास देख लिया वो देख लिया अब आगे आते हैं सबसे अमेजिंग चीज पे अब इलास्टिसिटी के जितने भी सवाल आए हैं पिछले सालों में 2009 से 2024 तक हर एक सवाल विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कीवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड गाइस ठीक है कोई भी आप लोग यहां जाके देख सकते हो जैसे कोई भी सवाल आया किस ईयर में आया किस एग्जाम में जैसे ये मैनेजमेंट जुलाई 2018 हजार अठारह में वाला सवाल आया अगेन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक सवाल का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिलेगा जहाँ आपको बताएंगे कि इस सवाल इस, इस में क्या था सो दिस इज नॉट दिस नॉट ओनली फॉर असेसमेंट लेकिन यह आपकी लर्निंग के लिए है एंड ऑफ कोर्स और भी कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं जैसे कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है यहाँ आप अपना डाउट पेस्ट कर दो दिरजा सिस्टम यहाँ देखिए यहाँ अगर आप जाकर देखो आपको दिखाई देगा शेयर योर डाउट्स या अपना डाउट पेस्ट कर दो विद इन वन डे टीचर विल गेट बैक टू यू और पूरे का पूरा कोर्स इस तरह कवर किया हुआ इनफैक्ट मैं आपको क्या सलाह दूंगा गेट इन टच विद अवर टीम दर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट गेट कनेक्टेड अब आप कुछ भी कर रहे हो नेट निकालने के लिए कोई किताब पढ़ रहे हो कहीं से कोचिंग ले रहे हो खुद से कर रहे हो कुछ भी आपका प्लान है हमारा आपसे क्या अनुरोध है आप एक दिन के लिए इस प्लेटफॉर्म का ट्रायल जरूर लीजिएगा और आप बाकी सब भूल जाएंगे एंड हाउ यू विल सी कि कैसे दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन कि पहली बार में नेट निकालो पहली बार में जैप निकालो और फिर ज़िंदगी में कुछ और करो ये नहीं कि तीन तीन साल लगे हुए हैं नेट नेट ही निकल रहा है जैसे कि यू का इम्तहान हो गया ठीक है सो गाइज आइडियाज एंड अगेन हम आपका ऐसे नहीं, नहीं निकलवा रहे हैं कि हम क्वेश्चन पेपर जानते हैं हमने सब सिस्टमेटिकली ओनेस्टली पूरा सिलेबस कवर किया है टारगेटेड अप्रोच में किया है पिछले सालों के सारे सालों को किया है उन सालों को देख के सिलेबस की बाउंड्री बनाई है इस तरह हम एग्ज़ाम पास करवा रहे हैं ये सिर्फ लेना काफ़ी नहीं होगा इसका आपको पढ़ना भी होगा ठीक है सो गाइज विद दैट नोट हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट मी नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं एंड हम आगे वाले सवाल पे देखते हैं कोड सेवनटीन मैनेजमेंट का अगला सवाल विच इज यस अब दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन आइडली इट शुड बी ड्रॉप्ड तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हम निकाल ही नहीं सकते सो ये सवाल सी ए पी एम का था ठीक है तो इसमें उसने पूछ उस पूछना चाहिए था कि सी ए पी एम क्या होता है या सी ए पी एम के अराउंड आ, मतलब पूछना चाहिए था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल वगैरह कुछ उसको पूछना चाहिए था और फिर हम उसको निकालते हैं रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू बीटा इंटू मार्केट प्रीमियम या फिर अगर मार्केट प्रीमियम दिया सेवन पॉइंट फाइव परसेंटेज तो फिर आ, हमें बीटा का नीड फिर हमें इसको बीटा से मल्ट इसको बीटा से यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते लेकिन रिस्क फ्री रेट भी नहीं दिया हुआ है वैल्यू ऑफ शेयर तो निकाल ही नहीं सकते मतलब बिना कुछ बिना किसी डेटा के सो so, वेल well, uh, किसी भी स्टॉक uh, का वैल्यू निकालने के लिए तो हम हमें हमें उसका डिविडेंड पता होना चाहिए मतलब तो आई थिंक ये सवाल ड्रॉप हो जाना चाहिए कुछ कन्फ्यूजन है कई चीजों को ऐसे मिक्स कर दिया गया है कि ये सी ए पी एम वाला सवाल है या फिर दिस इज सवाल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स लेटेस्ट सी क्या होता है सो so, इसमें तो दिस क्वेश्चन शुड आइडली बी ड्रॉप्ड आगे बढ़ते हैं डिवाइडिंग अ मार्केट इन टू डिस्टिंक्ट सेगमेंट इज नोन एज वट मार्केट सेगमेंटेशन सो ये चार तरह के इंटरनेशनल फाइनेंस में हम इस चीज को हम इस चीज को पढ़ते हैं और इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 121 का करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए ऑप्शन वन विच डिसिप्लिन हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू ओ बी इकोनॉमिक्स ऑप्शन थ्री ई बी आई टी दिया पी बी टी दिया फिक्स कोर्स दिया है कंबाइंड लिवरेज निकालना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज सो डी सी एल या सो so इसको डी भी बोलते हैं या फिर इसको डी भी बोलते हैं सो so क्या इसको हम लोग कैसे निकालते हैं ई बी आई टी प्लस फिक्स कोस डिवाइडेड बाई पी बी टी और अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ग्यारह लाख बीस हजार प्लस सात लाख डिवाइड बाई तीन लाख बीस हजार और तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन वन Way, ये ये भी भी रिपीट है ये भी सुबह था पर इतना फर्क है कॉमर्स वाले में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा था तुमसे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज पूछ लिया बट सवाल ग्यारह लाख बीस अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन ये सवाल भी काफी बार बार आया है ये किसने दिया था ने नेक्स्ट इज करेक्ट इफ ईच वैल्यू ऑफ डेटा इज इनक्रीज बाई ट्वेल्व सो so गायज काफ़ी मतलब इसको करके भी सकते थे हमें अगर मीन हमें चेक करना है अगर मैं दो नंबर ले लूँ मान लो मैं ले लेता हूँ सोलह और मैं मान लो ले लेता बारह और फिर इनका मैं मीन निकाल सकता हूँ सोलह बारह का मीन क्या होगा चौदह होगा ठीक है अब दोनों में बारह बारह ऐड कर दो ठीक है मतलब सोलह में बारह ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा अट्ठाईस अट्ठाईस ठीक है बारह में बारह करोगे चौबीस अब इन दोनों का मीन कितना होगा छब्बीस विच इज नथिंग बट अगर यहाँ बारह ऐड करते इसका मतलब इनक्रीज द मीन बाई बारह बाकी हमें एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट क्या पता होना चाहिए था जब स्टेट्स पढ़ाएंगे तो तुम्हें लोग बताएंगे जो मीन है मीन मीन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजन अगर में, सारे मीन में, में सब वैल्यूज में कुछ हम घटाया जमा करेंगे तो उससे मीन बदल जाएगा <coughs> In which year India became member of WTO? Correct answer is option इज The WTO जो बना था India founding members में था मेस्लो में हायर की ऑफ नीड पूछा है इससे अच्छा तो कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता मतलब अगर तुम एम बी ए स्टूडेंट हो और कोई तुमसे मेस्लो लो स्वोट एनालिसिस जिसके सवाल पूछ ले तो फिर मतलब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता जीवन में वन टू नाइन वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है सो क्या जो हम लोग कैसे निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक इज गिवन बाय डी वन ओवर के ई माइनस जी और डी वन हम कैसे निकालते हैं जो अभी डिविडेंड डिविडेंट है और उसमें जो ग्रोथ रेट है सो के ई माइनस जी और ये वैल्यू पुट करके देखते हैं सो थ्री पॉइंट सेवन जीरो इंटू वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट डिवाइडेड बाई 0.12 दिया हुआ है 0.08 दिया हुआ है इसको करोगे तो वैल्यू आएगी 99.9 समथिंग सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन द फॉलोइंग अच्छा अभी आगे वाले सवाल अभिनव सर ने किए थे तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं हाँ mm -hmm. ठीक है तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आगे के हैं जैसा कि सर ने आपको बार बार बताया ही है कि इस बार का जो मैनेजमेंट का पेपर है वो रिलेटिवली उतना कठिन नहीं आया जिसके लिए एन डी ए जाना जाता है एंड जल्दी करते हैं क्योंकि uh, समय भी काफ़ी हो रहा है सो so, 130 थर्टी पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीव शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट फ्रॉम द नाबार्ड करेक्ट आंसर इज बी ठीक है बी सी डी तो कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट रीजन रूरल बैंक और इतना तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि आर बी आई तो आर बी आई नाबार्ड से नाबार्ड से क्यों पैसा लेगा आई मीन दिस इज है ना हास्यास्पद जो शब्द होता है वही है ये तो बी इसका करेक्ट आंसर है अगले क्वेश्चन पे आते हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एज प्रोवाइडेड बाय विरिज इनको इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम अर्लियर टू लेटर इसमें इन चीज़ों में ना अर्लियर लेटर और लेटर टू अर्लियर का ध्यान दीजिएगा हालांकि यहाँ पे अर्लियर टू लेटर ही दिया है 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विच इज सबसे पहले बी उसके बाद ए सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव उसके बाद डी कंसिडरिंग प्लानिंग प्रोमाइसिस उसके बाद सी आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव एंड देन फाइनली ई आपका विच इज चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव इन चीज़ों में हमेशा आप ये भी देखिए कि आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव हमेशा पीछे जाएगा विच इज फ्रॉम द चूजिंग एंड अल्टरनेटिव तो इस तरीके से भी आप आंसर्स तक पहुंच सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग ब्रांड इक्विटी आर 132 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्टेटमेंट ऑप्शन वन विच इज ये सॉरी ये ए सी एंड डी तो बी और ई e इसके करेक्ट आंसर में नहीं आएंगे आगे देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आई एम श्योर आप लोग ने भर भर के पढ़ा होगा एंड 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स आर नॉट होमोजीनियस

डी एंड ई सो हम लोग तो देखिए केवल मैनेजमेंट नहीं मैनेजमेंट कॉमर्स के जितने भी नेट के जो और एग्जाम्स हैं उसकी भी उसका भी तैयारी हम कराते हैं तो वी गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड दिस जी हॉस्ट ग्रीट हॉस्ट चीट जो 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 इन्हों की जो थ्योरी है वो तीनों ही पेपरों में चाहे कॉमर्स है, है चाहे मैनेजमेंट चाहे एच आर है तीनों में ये चीज़ पूछी गई है तो अब इसके बाद इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है आगे देखते हैं हुज़ कंटेक्टेड द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट ऑन ग्रुप्स ऑफ एंटरप्रीनियोर इस प्रकार के सवाल भी भर भर के देखने को मिलते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दी किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट कराया 135 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन डब्ल्यू यंग आगे देखते हैं द प्रोसीजर थ्रू विच वन डिटरमाइन द ड्यूटीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल टू हायर फॉर कंप्लेट कॉल्ड तो करेक्ट आंसर है इसका जॉब जॉब एनालिसिस हाँ अब जो ये वाला है ना इसमें डेफिनेशन से पढ़ो तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी कुछ लोगों को ठीक लग सकता है क्योंकि उसके आसपास है ये कि ड्यूटी भी पूछा है उसमें कैसे लोग काम करेंगे वो वो भी, भी पूछा है तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी इसका आंसर हो सकता था लेकिन अब एन टी ए ने जिसने पेपर बनाया उसने किताब से लाइन उठा के चिपकाई हुई है तो उस किताब में ये जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन है जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं होगा ठीक है तो फ्री इसका आंसर है जॉब एनालिसिस एंड uh, आगे बढ़ते हैं ग्रीन मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन थ्री विच इज इंक्रीजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है 138, an act एन एक्ट दैट वन for another that is फॉर अनदर दैट इज not result एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनी इज कॉल्ड तो बेसिकली किस चीज की परिभाषा है ये ये है आपकी सर्विस की परिभाषा ठीक है आगे बढ़ते हैं अरेंज द मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजन इन प्रॉपर सिक्वेंस बिगनिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सर ये सवाल सेम रिपीट ये हम सबकी स्मृतियों में बसा हुआ है ठीक है ये सेम ही सवाल है एंड क्वार्टलर फोर्टीन एडिशन में सीधा सीधा पहला जो पैराग्राफ है मार्केटिंग लॉजिस्टिक से उसे उठा के पूछ लिया उन्होंने सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वन थर्टी नाइन का वो है वन ठीक है विच इज सी ए बी डी सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग उसके बाद वेयर हाउसिंग उसके बाद इन्वेंट्री और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ठीक है आगे बढ़ते हैं विच अप्रोच सेज दैट ऑर्गनाइजेशन आर डिफरेंट फेस डिफरेंट सिचुएशन एंड रिक्वायर्स डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग यानी कि डाइवर्सिटी की बात करी है और करेक्ट आंसर है इसका कंटेंजेंसी अप्रोच विच ऑल विच टॉक्स अबाउट कि कोई भी सिचुएशन आती है वो डिफरेंट होती है और उसके हिसाब से जो 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 मैथड जो वे टू टैकल दैट सिचुएशन है वो बदल जाएगा आगे बढ़ते हैं कॉम्प्रीहशन के सवाल पे आते हैं इसमें हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि सारे ही शायद सवाल क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्रीहेंशन से देखने को मिल रहे हैं और कॉम्प्रीहेंशन के सवालों का एक अलग नाम होता है नेट में उसे कहते हैं लॉलीपॉप सवाल तो शुरू करते हैं वन फोर्टी वन विच वॉट ट्रेंड ऑब्जर्व इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया इसका आंसर है बी आगे देखते हैं विच इंडस्ट्रीज़ आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोइंग ट्रेंड्स ऑफ हायर एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपीरियंसिस इसका आंसर है आपका फोर आगे देखते हैं वॉट इज ड्राइविंग द प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न इन इंडिया क्या आंसर है इसका इसका आंसर है आपका वन फोर्टी थ्री का है वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वॉट डिजायर इज ड्राइविंग कंजम्पशन सेक्टर्स इन इंडिया इसका आंसर है आपका वन फोर्टी फोर का टू सॉरी वन अगला आता है इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया इस सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया एज पर दी पैसेज लिखना चाहिए था यहाँ पे 145 का है टू ठीक है आगे देखते हैं अगले पैसेज पे आते हैं वॉट इज आइडेंटिफाइड एज टू डिफ्रेंशिएटर फॉर सक्सेस इन द बिजनेस लैंडस्केप तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टू uh, अगला सवाल देखते हैं वॉट चेंजे इन लीडरशिप प्रस्पेक्टिव ऑकर्ड पोस्ट पैंडमिक

वन फोर्टी नाइन का है टू एंड देन फाइनली वन फिफ्टी थ्री का क्वेश्चन ऑप्शन थ्री सी इज द आंसर थ्री इज द आंसर ओके पेपर टू मैनेजमेंट कोड 17 का ये पूरा सॉल्यूशन था पूरा आंसर की हम लोगों ने कर दिया है इसमें किसी से आप डिसएग्री करते हो ऑफ कोर्स नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो Uh, उसके अलावा ऑल द बेस्ट गाइज डू वेल हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप सिस्टमेटिकली आप तीन से चार महीने अगर आप अच्छे से नेट के लिए मैनेजमेंट के लिए तैयारी करते हो तो अपन अपना पहली बार में ही पहले अटैम्प्ट में अपना आप नेट निकाल सकते हो बट सिस्टेमेटिकली और समझ के सीख के आपको आगे बढ़ना होगा जनरली uh, क्या होता है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए हमारी ये वाली टेंडेंसी भी होती है कि मैं कुछ शॉर्टकट सीख लूँ या कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करके चला जाऊँ ये सब करके चला जाऊँ तो यूजुअली ऐसे केसेस में uh, थोड़ा डिफिकल्ट होता है एग्ज़ाम निकालना लेकिन अगर सिस्टमेटिकली सिलेबस पूरा करोगे सिस्टमेटिकली सिलेबस की बाउंड्री में समझोगे क्या है एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल पर रहोगे तो डेफिनेटली आपका नेट निकल जाएगा एंड सो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आप कुछ भी कर रहे हो एक दिन के लिए हमारा एक बार प्लेटफॉर्म ट्रायल के रूप में आप जरूर ट्राई करना उसके लिए देर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे दैट विल कनेक्ट यू विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाइए आप आप हमारी टीम से मांग लीजिए एक्सेस एक दिन के लिए या आप ऐसा भी कर सकते हो कि वेबसाइट पे जाओ ह्यूमन पेटस की ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट खोलो लेफ्ट को एक आएगा चैट नाउ का बटन आएगा लेफ्ट को बॉटम लेफ्ट पे उस पर क्लिक कर दो अपने आप ही व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो जाओगे वहाँ जाके आप लिख दो और हम हमारी टीम आपको एक दिन का फ्री एक्सेस आपको भेज देगी अभी सर आपकी तरफ से कुछ हाँ हाँ बस सर यही है कि अपना आई एम श्योर के अपना के इस के इसमें जो आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपने अच्छे से देखे हैं एंड अगेन सर ने स्टार्टिंग में भी बोला कि कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि आपको वापस रिविजिट करनी वापस आप चाहते हैं कि उस पर हम लोग रिविजिट करें तो उसके संग अपना रेशना है या रीज़न डालिए एंड अगेन फ्री ट्रायल की बात तो हम लोग ने करी ली है कि आप ना एक बार जाइए हमसे हम कांटेक्ट करिए एक दिन का ट्रायल लीजिए एंड देखिए कुछ से कि कैसे आपको इससे पढ़ाई करनी है एंड सर इन दी एंड हम लोग कुछ, कुछ हाँ हम लोग कुछ ही एक दो दिनों में अपना कट ऑफ जो है मैनेजमेंट uh, का तो जो हमें लगता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कट ऑफ है उसको डाल देंगे सो so, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक द बेल आइकन सर Hey mm. okay guys, subscribe to this channel and all the best. Uh, do well. Okay, all the best guys.